बट आई थिंक मुझे लगता है कि शायद बच्चों को शुरू से ही, मतलब अभी से इंसानियत और नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाए तो शायद आगे चलकर उनके फ्यूचर में, भविष्य काल में अत्याचार जैसे रेप, बलात्कार, धर्म भेदभाव, अपराध जैसी आदि घटनाएं शायद कम हो सकती है, क्योंकि बच्चों के आने वाले कल में ही देश की भलाई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि स्कूलों में सबसे पहले, यानी प्राइमरी स्कूल्स, यानी प्राथमिक विद्यालय, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के क्लास के छोटे बच्चों को सबसे पहले नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बिकॉज द फर्स्ट नॉलेज इज मॉरल एजुकेशन इन स्कूल, क्योंकि बच्चों का पहला ज्ञान नैतिक शिक्षा ही है। उनको सिखाया जाए कि बच्चा, बेटा ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। उनको अच्छाई और बुराई के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब व्यवहारिक ज्ञान देना जरूरी है। बाय द वे, मॉरल एजुकेशन कैन आल्सो बी डन एट होम, कैन बी डन इन स्कूल, टेम्पल, जेल एंड एनी सोशल पैलेस। वैसे नैतिक शिक्षा कार्य जो वो घर पर भी किया जा सकता है, या किसी सामाजिक स्थान, या किसी मंच, या विद्यालय, मंदिर, या पंचायत भवन जैसे सामाजिक स्थान में, पंचायत भवन में भी किया जा सकता है। जैसे माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, कोई भी अपने बच्चों को, उनको अच्छाई या बुराई के बारे में व्यावहारिक ज्ञान ज्ञात करवा सकते हैं। और बच्चों में बचपन से ही अच्छी आदतें डालनी चाहिए, मतलब वह अपने क्लासमेट या अपने सहपाठी, जैसे कि लड़का या लड़की, छात्र का सम्मान करें, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स एट होम, लाइक पेरेंट्स एंड सिस्टर्स, और घर में अपने अन्य परिजनों जैसे कि माता पिता या भाई बहनों का आदर सम्मान कैसे करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट कैसे देनी चाहिए। और हमें उनको बताना चाहिए कि अपने किसी दूसरे साथी या किसी अन्य व्यक्ति जैसे महिलाओं की इज्जत, सम्मान, आदर कैसे करना चाहिए, ये सब हमें उनको बताना चाहिए। बट वाई इज मॉरल एजुकेशन इन स्कूल्स? नैतिक शिक्षा या मॉरल एजुकेशन एक सही और गलत व्यवहार के सिद्धांतों या मानव चरित्र की अच्छाई या बुराई से संबंधित है। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें हमारे द्वारा या किसी टीचर्स या किसी अन्य गुरुजन या माता-पिता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या बच्चों में जो नैतिक मूल्य का संचार किया जाता है, उसे ही हम नैतिक शिक्षा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि नैतिक शिक्षा एक व्यक्ति के कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी चरित्र विकास, अच्छा और सही मैनर्स के विकास से जुड़ा हुआ है।